हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोटरसाइकिल के इंजन में ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम किन किन कारणों से होता है और मोटरसाइकिल के इंजन को ओवरहीटिंग से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आपके मोटरसाइकिल के इंजन के सिलेंडर के अंदर में ये जो पिस्टन होता है ये सीज तक कर सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड्स, बेसिकली जो मोटरसाइकिल में इंजन को ठंडा करने के लिए तीन टाइप के कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि है एयर कूलिंग, ऑयल कूलिंग और लिक्विड कूलिंग। और अगर आप इन तीनों टाइप के इंजन के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, बेसिकली इंजन को ओवरहीट करने का जो सबसे प्राइम रीज़न होता है, जो टॉप मोस्ट रीज़न होता है, वो होता है इंजन ऑयल का कम हो जाना। यानी कि इंजन ऑयल, जिसे बहुत कोई लोग मोबिल भी कहते हैं, उसका कम हो जाना। क्योंकि ये इंजन ऑयल जो होता है वो आपके मोटरसाइकिल के इंजन के जितने भी रनिंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें ये लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, रस्टिंग वगैरह से बचाता है और इसके साथ ही इन्हें ठंडा भी करता है। अब लगातार जब हम लोग इंजन को यूज़ करते जाते हैं तो उससे क्या होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो हमारा बॉटल है वो आपके मोटरसाइकिल का इंजन का ऑयल का पैन है जिसमें आप इंजन ऑयल डालते हो। अब लगातार जब इंजन यूज़ होते रहता है, उसका रनिंग होते रहता है, उसमें हीट जनरेट होते रहता है, तो जो इंजन ऑयल का लेवल है वो कम होते जाता है। इंजन ऑयल ख़राब नहीं होता है, लेकिन इंजन ऑयल का लेवल, उसका क्वांटिटी, उसका लेयर कम हो जाता है और इसके वजह से बहुत हद तक इंजन का ओवरहीटिंग होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि टाइम टाइम से, यानी कि करीब 1000 से 1500 किलोमीटर में एक बार अपने इंजन ऑयल का जो लेवल, आप उसे चेक कर ले और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इंजन ऑयल कम है तो आप उस पर टॉप अप कर दे। आपको पूरा इंजन ऑयल बदलने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसे टॉप अप कर दे और इससे बहुत हद तक आप अपने मोटरसाइकिल के इंजन में जो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है इनिशियल स्टार्ट। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सुबह में जस्ट अपने मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और राइडिंग शुरू कर देते हैं। ये एक अच्छा हैबिट नहीं है, इसके वजह से भी इंजन बहुत बार ओवरहीट होता है। मैं आपको बताऊं कि आइडियल ये होता है कि जैसे ही आप अपने मोटरसाइकिल को इंजन को स्टार्ट करो तो आपको थ्रॉटल बहुत ज़्यादा नहीं देना है, जस्ट स्टार्ट करें, उसे आइडियल पोजिशन पर छोड़ दे और उसके बाद करीब 30 से 5 मिनट तक इंजन को वार्म अप होने दे। इसे हम लोग इंजन का वार्मिंग कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो इंजन ऑयल है, जो मोबिल है, वो क्या करता है कि उसका एक बार रनिंग हो जाता है और जितने भी इंपॉर्टेंट रनिंग पार्ट्स वगैरह है उसे वो लुब्रिकेट कर देता है। और इसके बाद जब आप गाड़ी को चलाओगे तो उससे क्या होता है कि हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो इंजन का वार्म अप है आप उसे डेली बेसिस पे करें, आप देखोगे कि इंजन का ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है कार्ब्यूरेटर का सेटिंग। बेसिकली जो कार्ब्यूरेटर होता है वो क्या करता है कि जो एयर है और जो पेट्रोल है इसे सही रेशियो में मिक्स करके आपके इंजन के सिलेंडर के अंदर में इसे भेजता है। अब कभी ज़्यादा लीन मिक्सचर जाने लगे, यानी कि एयर ज़्यादा जाने लगे और पेट्रोल कम जाने लगे और इंजन के ऊपर में ज़्यादा लोड हो जाए, ज़्यादा थ्रॉटल उसे दे, तो उससे क्या होता है कि पेट्रोल कम होने की वजह से इंजन उतना पावर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, कंपोनेंट्स के ऊपर में ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और इससे भी क्या होता है कि इंजन का ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम बार बार आ रहा है तो एक बार आप कार्ब्यूरेटर की सेटिंग को अच्छी तरह चेक कर लें और अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो उसे आप सेट करा ले। अब एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अक्सर ये जो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है वो तब होता है जब हम लोग मोटरसाइकिल को लगातार बहुत लंबी जर्नी पे निकल जाते हैं, बिना ब्रेक लिए हम लगातार मोटरसाइकिल को चलाते रहते हैं। अब लगातार जब हाई आरपीएम में जो हमारे इंजन का क्रैंकशाफ्ट वगैरह है उसका जो रेवोल्यूशन होते रहता है, इस टाइम पर क्या होता है कि इंजन का जो पार्ट्स है उसका ज़्यादा फ्रिक्शन होने लगता है और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपको पता ही होगा उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होने लगता है और इंजन गर्म होने लगता है। इसलिए ये एडवाइजेबल होता है कि आप जब लगातार लंबी जर्नी पे निकलो उस टाइम पे आपको थोड़े थोड़े देर पे ब्रेक ले लेना चाहिए। वैसे ये मोटरसाइकिल को लगातार कितना किलोमीटर चलाना चाहिए इसके ऊपर में डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एक और इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनके मोटरसाइकिल में लिक्विड कूल्ड इंजन होता है, जहाँ पे कूलेंट वगैरह का यूज़ किया जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि उन लोगों को सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए जब इंजन का गर्म होने का प्रॉब्लम आए कि कूलेंट का लीक तो कहीं से नहीं हो रहा है। उसके बाद ये भी देखना ज़रूरी है कि जो कूलेंट का पैसेज वगैरह है, जो रेडिएटर है, उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज, किसी तरह गंदगी है कि नहीं है। और एक और चीज़ ज़रूरी है कि जो कूलेंट का लेवल है, जो कि आपको जो कूलेंट का बॉक्स है वहाँ पर दिया रहता है, तो उस पर आप देख लो कि कूलेंट कहीं कम तो नहीं है। और कूलेंट को हमेशा एक डिस्टिल्ड वाटर के साथ सही रेशियो में मिक्स करना भी ज़रूरी होता है। और ये एडवाइजेबल होता है कि आपको 50% डिस्टिल्ड वाटर जो है उसे ऐड करना चाहिए, और 50% जो मोटरसाइकिल का कूलेंट है वो ऐड होना चाहिए। आप डिस्टिल्ड वाटर में, आप जो टैप का वाटर होता है, जो नल वाला वाटर होता है, आप उसे नहीं यूज़ करें। उसमें आयरन और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मोटरसाइकिल के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो डिस्टिल्ड वाटर आता है आप उसे ही यूज़ करें। ये लिक्विड कूल्ड इंजन वालों के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके वजह से मोटरसाइकिल का इंजन में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आता है। आप इन चीज़ों का अगर रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहोगे तो आप देखोगे कि इंजन में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आपका बंद हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।